हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुजीत चंद्रात्रेय, मैं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हूँ। आज चलिए बात करते हैं अपने खाने में जो कैलरीज होती है उसे कैसे काउंट किया जाए उसके बारे में। कैलरी काउंटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कैलरिक एक्सेस यानी जितनी कैलरीज हमने खाई है और जितनी बर्न की, उसका डिफरेंस ओबेसिटी कॉज करता है। डायबिटीज में जितनी कैलरीज आदमी ज़्यादा खाता है उतना शुगर ज़्यादा बढ़ जाता है। जितने कार्बोहाइड्रेट्स डाइट में ज़्यादा होते हैं उतना शुगर बढ़ जाता है। कई सारी बीमारियों में कैलरी काउंटिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। जो फूड स्टफ्स बाहर मिलते हैं, पैकेज फूड्स, चलो उसके ऊपर तो लिखा होता है उसमें कितनी कैलरीज है, कितने कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स है, कितने फैट्स है, लेकिन हमारे इंडियन होम्स में जो खाना बनता है उसके बारे में हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो चलो आज हम आपको कैलरी काउंटिंग में एक्सपर्ट बना देते हैं। बस इस वीडियो का 10 मिनट का आप ठीक से अभ्यास कीजिए और कैलरी काउंटिंग में एक्सपर्ट बन जाइए। हमारे खाने में सबसे इम्पॉर्टेंट है सीरियल्स, जिसे हम अनाज धान भी बोलते हैं, जिसमें गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का वगैरह शामिल होता है। अगर हमने सीरियल का 20 ग्राम का नाप, मतलब एक छोटी वाटी का माप ले लिया, तो उसमें 85 कैलरीज हमें मिल जाते हैं। अप्रोक्सीमेटली 3 ग्राम प्रोटीन्स हमें उससे मिलते हैं। फैट्स काफ़ी कम, मतलब 0.5 ग्राम्स फैट उस कंटेंट में होते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, सीरियल से, अनाज से ज़्यादातर कॉम्पोनेंट हमें कार्बोहाइड्रेट के स्वरूप में बॉडी को मिलता है। अपने देश में हर एक प्रांत में रोटी का कंटेंट, रोटी का साइज थोड़ा अलग अलग हो सकता है, इसलिए कौन सी वाटी उसके लिए यूज़ करें वो देखना ज़रूरी होता है। कई बार गेहूँ के, चावल के कुछ अलग अलग स्पीशीज़ होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क कैलरिक कंटेंट में नहीं आता है। अप्रोक्सीमेटली हमें ये फॉर्मूला बहुत यूज़फुल प्रूव हो जाता है। अगर कुकिंग के मेथड थोड़ी सी अलग होगी तो कैलरीज में थोड़ा सा फ़र्क आ सकता है, लेकिन अगर उसमें कुछ ऐड नहीं किया होगा तो भी ये फॉर्मूला काफ़ी हद तक अच्छा काम करेगा। ऑफकोर्स हमने रोटी के ऊपर घी लगा दिया तो घी के कैलरीज हमें उसमें ऐड करनी पड़ेगी, जो ऑफकोर्स हम आगे वीडियो में देख लेंगे कि घी में कितनी कैलरीज होती है। हमारे खाने में दूसरा मेजर कॉम्पोनेंट है पल्सेस और लेग्यूम्स, यानी दालें और फलियां। दालों में हम मसूर, मूंग, तूर, उड़द की दालें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और लेग्यूम्स में मटर, राजमा वगैरह इस्तेमाल करते हैं। एक वाटी यानी 30 ग्राम पल्सेस एंड लेग्यूम्स हमें अराउंड 100 कैलरीज देती है। उसमें 6 ग्राम्स प्रोटीन होता है और बहुत कम यानी 0.5 ग्राम्स फैट होता है। ये इंडियन वेजिटेरियन डाइट में बहुत अच्छा प्रोटीन सोर्स प्रूव होता है। हर एक दाल में या फलियों में थोड़ा थोड़ा प्रोटीन का कंटेंट अलग हो सकता है। हमने यह 6 ग्राम अप्रोक्सीमेशन के लिए बोला है, तो कभी 4 से कभी 7 तक कभी हमें प्रोटीन कंटेंट 30 ग्राम पल्सेस या लेग्यूम से मिल जाता है। अगर हमने कुछ उसमें ऐड किया हो, जैसे तेल का तड़का दिया हो, तो ऑफकोर्स तेल की कैलरीज हमें उसमें ऐड करके लेनी पड़ेगी। जो अमाइनो एसिड्स सीरियल के प्रोटीन्स में नहीं होते, वो भी दालों में और फलियों में हमें मिल जाती है, और इस हिसाब से हमारा डाइट कंप्लीट हो जाता है। आगे का कॉम्पोनेंट है सब्जियाँ। सब्जियाँ हमारे डाइट में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कंट्रीब्यूट करती है। उसमें हम 2 टाइप्स में डिवाइड करेंगे, एक तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती है और नॉन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती है। 150 ग्राम लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स हमें 50 कैलरीज देती है। उसमें कोई प्रोटीन या फैट ज़्यादातर नहीं होते हैं। 150 ग्राम बाकी की वेजिटेबल्स होती है हमें 150 कैलरीज तक दे सकती है। ट्यूबर्स और सम वेजिटेबल्स जैसे ब्रोकोली है, उसमें काफ़ी प्रोटीन यानी 1 to 2 ग्राम ऑफ प्रोटीन हो सकता है। जैसे कि हमने देखा कि वेजिटेबल्स हमें बहुत ज़्यादा कैलरीज नहीं देती है, लेकिन उसमें भरपूर प्रमाण में विटामिन्स और फाइबर्स होते हैं। उसमें कई बार कलर पिगमेंट्स भी होते हैं, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। सब्जियों के इम्पोर्टेंस के कारण ज़्यादातर डाइटिशियंस 3 से 5 सर्विंग्स डेली वेजिटेबल्स के एडवाइस करते हैं। ऑफकोर्स उसमें प्रोटीन कंटेंट काफ़ी कम होता है, तो कोई पर्सन सिर्फ सब्जी और रोटी खाता हो तो उसकी प्रोटीन की जो मात्रा रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी नहीं होती है। हमें हमेशा प्रोटीन रिच सोर्स भी डाइट में ऐड करना ज़रूरी हो जाता है। और ऑफ कोर्स हर स्पेसिफिक सब्जी की कैलरिक वैल्यू अलग होती है, लेकिन ज़्यादातर वैल्यूज़
हमने जो आंकड़ा दिया उसके आसपास आ जाती है। हमारे कैलकुलेशन के लिए हमारा फॉर्मूला काफ़ी है। अगर हमें अगर स्पेसिफिक कैलोरीज ढूंढनी है तो उसके चार्ट हमें कहीं भी आराम से मिल जाते हैं। चौथा बहुत इम्पॉर्टेंट हमारे खाने का कॉम्पोनेंट है तेल और घी। तेल और घी हम मीडियम के तरीके से इस्तेमाल करते हैं जिससे मसाला हमारे खाने के अंदर जा सके। 1 ग्राम तेल का या घी का हमें 9 कैलोरीज देता है, एज अगेंस्ट 1 ग्राम प्रोटीन का हमें 4 कैलोरीज देता है और 1 कार्बोहाइड्रेट का ग्राम भी हमें 4 कैलोरीज देता है। तेल और घी प्योर फैट होते हैं। एक छोटा चम्मच तेल या घी हमने ले लिया तो उसमें 5 ग्राम फैट होता है जो हमें 45 कैलोरीज देता है। उसमें कोई प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट हमें नहीं मिलता है। यह चीज़ें प्योर फैट होने के कारण उनका यूज़ ओबेसिटी में, डायबिटीज़ में, हार्ट डिसऑर्डर्स में काफ़ी बार रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। खाने का पांचवा कंपोनेंट है जो पदार्थ हमें स्वीटनेस देते हैं, मीठापन देते हैं। उसमें आती है शक्कर, गुड़ या शहद। 95% लोग तो सिर्फ शक्कर यूज़ करते हैं। शक्कर प्योर कार्बोहाइड्रेट होता है, उसमें कोई प्रोटीन और फैट नहीं होते हैं। तो हमने 5 ग्राम मतलब छोटा चम्मच शुगर ले ली तो उसमें 20 कैलोरीज मिलते हैं। जैसे हमने पहले भी फॉर्मूला में देखा था कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरीज हमें देता है। आजकल कुछ लोग शक्कर के बदले में गुड़ का इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी कुछ ज़्यादा कम कैलोरीज नहीं होती है। 5 ग्राम गुड़ भी हमें 20 कैलोरीज ही देता है, लेकिन उसमें कुछ और पदार्थ भी हो सकते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। छठा बहुत इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है दूध और दूध के पदार्थ। थोड़ा गाय के और भैंस के दूध का कॉम्पोजिशन थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन जो गाय चरती रहती थी, थोड़ी सी बारीक होती थी, खुद ब खुद चारा खाती थी, उनके दूध का कॉम्पोजिशन कुछ अलग होता था। आजकल गायों को बांध के रखा जाता है, उन्हें कमर्शियल फूड दिया जाता है, तो गाय के और भैंस के दूध में ज़्यादा डिफरेंस अभी नहीं बचा, स्पेशली जर्सी गाय के और भैंस के दूध में। तो अभी हम दूध के 2 पार्ट्स करते हैं, एक तो फुल क्रीम मिल्क और स्किम मिल्क जिसमें क्रीम निकाला जाता है। 150 ml फुल क्रीम मिल्क में 100 कैलोरीज और 5 ग्राम प्रोटीन्स और 5 ग्राम फैट्स होता है। 150 ml स्किम मिल्क में 45 कैलोरीज और 4 ग्राम प्रोटीन्स होता है। स्किम मिल्क में फैट बहुत ही कम होता है क्योंकि फैट उसमें कमर्शियली निकाला जाता है, तो इसीलिए हार्ट के बीमारियों में या फिर ओबेसिटी में कई बार स्किम मिल्क का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें फैट निकाल के वह मिल्क हमें रेडी फॉर्मूला में मिल जाता है। अपने देश में दूध यह बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोटीन का सोर्स माना जाता है। अगला हम विचार करेंगे अंडों का। अगर हमने 50 ग्राम का एवरेज साइज का अंडा लिया तो उसकी कैलोरीज के बारे में हम बात करेंगे। अंडे में 2 कॉम्पोनेंट्स होते हैं, एक येलो और एक वाइट। 50 ग्राम का अंडा हमें अराउंड 80 कैलोरीज देता है। एक वाइट में अराउंड 3 ग्राम प्रोटीन होता है, कुछ ज़्यादा फैट्स नहीं होते हैं। एक येलो में 3 से 4 ग्राम प्रोटीन्स होता है और अप टू 5 to 6 grams फैट हमें एक येलो से ही मिल जाते हैं। अंडों के साइज थोड़े से कम ज़्यादा हो सकते हैं और एक कॉम्पोनेंट्स थोड़े से कम ज़्यादा हो सकते हैं। और हम ये सब मुर्गे के अंडे के बारे में बोल रहे हैं। अगर कोई लोग डक एग्स या कुछ और यूज़ करते होंगे तो उसमें थोड़ी सी कैलोरीज में डिफरेंसेस आ सकते हैं। अगला कंपोनेंट है नॉनवेज का। उसमें मेनली चिकन, फिश और बकरे का मटन हमारे देश में हम ज़्यादा खाते हैं। अगर हमने नॉनवेज फूड की बात की तो अप्रॉक्सीमेटली 100 ग्राम नॉनवेज हमें 200 कैलोरीज देता है। उसमें अराउंड 20 ग्राम प्रोटीन्स होता है और 3 ग्राम हमें उसमें फैट मिल जाता है। थोड़ा बहुत वापस स्पेसिफिक सोर्सेस के कारण उसमें कैलोरी में थोड़े से डिफरेंसेस आ सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन के लिए, सिंप्लीफिकेशन के लिए यह बहुत आसान फार्मूला हम याद रख सकते हैं। नॉनवेज की कुकिंग मेथड्स काफ़ी डिफरेंट हो सकती है और जितना हम उसमें तेल या नारियल डालेंगे उसमें उतनी कैलोरीज बढ़ती जाएगी, वो हमें ऑफकोर्स अकाउंट करने पड़ेंगे। कुछ प्रकार के शेलफिश, प्रॉन्स, लॉबस्टर, उसमें फैट का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है और कई बार बकरे के मीट में अगर फैट ऐड कर दिया तो भी कैलोरीज काफ़ी बढ़ जा सकती है। ये जो कैलोरीज हम बता रहे हैं वो लीन मीट के बारे में है।
अगला कंपोनेंट है दही। अगर हमने 75 ग्राम कर्ड ले लिया, जो एक बिग वाटी हो जाती है, तो हमें अराउंड 100 कैलोरीज मिल जाते हैं। हमें उसमें 5 ग्राम प्रोटीन्स मिलते हैं और अराउंड 5 ग्राम फैट्स मिल जाते हैं। यह हम फुल क्रीम कर्ड के बारे में बोल रहे हैं। अगर ये जो दही होता है वो स्किम मिल्क से बनाया गया तो फैट की कैलोरीज हमारी कट हो जाती है, लेकिन प्रोटीन कंपोनेंट ऑलमोस्ट उतना ही मिल जाता है। लास्ट कंपोनेंट है फ्रूट्स। कोई फ्रूट्स होते हैं जिसमें ज़रा ज़्यादा कैलोरीज होते हैं, जैसे आम, अंगूर, चीकू, और कुछ फल होते हैं जिसमें थोड़े कम कैलोरीज होते हैं, जैसे संतरा हो गया, मौसम्बा हो गया, एट्सेट्रा। 100 ग्राम हमने अगर फ्रूट ले लिया तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली 50 कैलोरीज मिल जाते हैं। अगर हमने साइट्रस फ्रूट ले लिए, जैसे संतरा, तो उसमें अराउंड 100 ग्राम फ्रूट में हमें 25 से लेके 40 कैलोरीज तक मिल जाते हैं। फ्रूट्स में मेनली कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उसमें ज़्यादातर प्रोटीन या फैट बहुत ही कम होते हैं। प्रोटीन इंटेक बढ़ाने के लिए फ्रूट्स का इतना फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन फ्रूट्स में ऐसी कुछ चीज़ें होती है जो कहीं और हमें नहीं मिलते हैं, जैसे कुछ मिनरल्स, कुछ विटामिन्स, कुछ पिगमेंट्स। इसलिए फ्रूट्स हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे खाने की कैलोरीफिक वैल्यूज़। हमने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो थोड़ी अप्रोक्सीमेट है। एग्जैक्ट कैलोरीज हमें अगर कैलकुलेट करनी है तो उसे हमें स्पेसिफिक फॉर्मूले यूज़ करने पड़ेंगे, लेकिन जो भी इन्फॉर्मेशन हमने अभी आपको दी है वो अगर हमने यूज़ की तो 95% तक एक्यूरेसी हमें कैलोरी काउंटिंग में आसानी से मिल सकती है। तो दोस्तों, आज ही इस नॉलेज का आप यूज़ कर लीजिए और आज ही आपके खाने के कैलोरीज काउंट करना चालू कर दीजिए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए, और हाँ, ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।